लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। हर रोज सुबह आपको 7 बजे एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। स्टैंड से विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के मुख्य परीक्षा GS 1-2-3 से संबंधित टॉपिक्स की भी। तो आज अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ कहां से किया गया। स्टूडेंट्स, डिजिटल इंडिया के ऊपर हो सकता है आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई लेख या आपको किसी कोई प्रश्न या आपको ऐसे राइटिंग में प्रश्न मिल सकता है। तो थोड़े से फैक्ट आप इसमें इकट्ठे करके रखें, अभी से फैक्ट आप इकट्ठे करके रखें। एक स्टूडेंट्स ने आज कमेंट भी किया था कि HS का जो आगामी परीक्षा है प्रिलिम्बरी की कब तक हो सकती है। हमारी टीम ये अनुमान लगा के बैठी है कि ये परीक्षा मार्च महीने में हो सकती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कुमार सेन शिमला से। मनाली में आयोजित मिनी इन्वेस्टमेंट मीट में कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के ऊपर हस्ताक्षर किए गए, तो इसका सही उत्तर होगा 2219 करोड़ और करीब 93 समझौते प्रदेश सरकार द्वारा मनाली में किए गए और इसे नाम दिया गया था मिनी इन्वेस्टमेंट मीट। और आपको ज्ञात होगा 85,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के लिए कुछ दिनों में धर्मशाला में एक हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए मीट होने जा रहा है। तो उसमें स्टूडेंट्स सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक क्षेत्र के लिए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक नीतियों के ऊपर भी प्रशासनिक सेवाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे फैक्ट आपने इकट्ठे करने हैं और जब आपने GS 1-2-3 के पेपर में लिखना है तो ये सारे फैक्ट आपने पाम पे भी लिखने हैं और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। आपको ज्ञात होगा वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, जिन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने मंडी से जयराम ठाकुर जी। जब इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था तो इसके ऊपर इन्होंने कितनी योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की थी, तो इसका सही उत्तर है 30 नई योजनाएं। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा जो वर्तमान में BJP की सरकार है उनका ये मानना है। और स्टूडेंट्स, ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा जिसमें योजना से संबंधित प्रश्न ना हो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो इन योजनाओं के लिए आप हमारी वेबसाइट elastedico.in पे जाएं। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को सॉल्व किया है और PDF के रूप में वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, कुल्लू में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों का आयोजन किया जाता है। आप सबका इसमें रिविजन भी हो जाएगा। तो आपको ज्ञात होगा अक्टूबर के महीने में ये मेला लगता है, ठीक है, कुल्लू के दशहरा ढालपुर मैदान में लगता है, कुल्लू के समीप में ही, ठीक है। तो इस बार देखिए वहाँ पे 2-3 नई चीज़ें की जा रही है। आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो कुल्लू से मिनिस्टर भी है, परिवहन मंत्री है गोविंद ठाकुर जी, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इनकी मीटिंग्स में जाके हिस्सा ले रहे हैं कि हम इसको बहुत बेहतर करेंगे और कुछ यूनिक करने की कोशिश की जा रही है। दो काम आपने याद रखने इस दशहरा और इस दशहरे से भी स्टूडेंट्स एक प्रश्न निकल के आता ही आता है, चाहे नाट्य की बात करें जो उन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, या कहाँ पर आयोजन किया जाता है, किस शासक के दौरान से शुरू किया गया था, इस तरह का कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से भी बनता है। और हम इस प्रश्न को जब ये पूरा का पूरा इवेंट चलेगा, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज, इसको भी कवर करेंगे और इसके फैक्ट साथ में लेके चलेंगे और GS 1-2-3 के पेपर के लिए भी इनको लिखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा में इस बार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 2000 भजंतरी विश्व शांति के लिए एक साथ देवधुन बजाएंगे और इसका स्टूडेंट्स एक स्लोगन भी दिया गया है, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। तो आपने इतना याद रखना है कि कुल्लू दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, परीक्षाओं के संदर्भ में भी हम इसको देखें। हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक हेपेटाइटिस BC को ख़त्म करने के लक्ष्य के लिए प्रयासरत है, तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2030 और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन अभ्यर्थियों ने पुलिस की परीक्षा दी थी, कड़ी मेहनत की थी,
सही ढंग से मार्गदर्शन किए, हमारा भी उन्होंने सुने होंगे वीडियोस, कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आया था, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैंने कहा था आपको बार बार कि इस परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट की गेम है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको मैथ जैसे और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को भी इसमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब जो आपके हाथ में था वो आप लोगों ने अचीव कर लिया होगा। ठीक है, अब आप यदि प्लस टू पास है तो आप पटवारी की परीक्षा के फॉर्म निकले हैं, 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हमारी यूट्यूब चैनल की टीम के द्वारा 11 बजे आपको इससे संबंधित एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसका भी लाभ उठाएं और पटवारी की परीक्षा में अपनी तैयारी को, अपनी पूरी कोशिशों को झोंक दे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए 2 नंबर की ग्रेस देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 प्रश्न उसमें गलत थे। ठीक है, जो परीक्षा भी 8 सितंबर को हुई थी तो आपको ये सबको नंबर मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें, इस तरह का इसमें कुछ गड़बड़ थी तो आपको उसकी मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और बात कर लेते हैं, क्लर्क एंड अकाउंटेंट कम क्लर्क की पोस्टों के लिए जो आपका टेस्ट होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से, इसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, 12/10/2019 को है। क्लर्क की पीछे 10 पेपरों को सॉल्व किया गया, 9 या 10 वर्ष के पेपरों को हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किया गया। हमारी वेबसाइट पे इसकी पुस्तक है, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप लें, बहुत ही बेस्ट बुक है, काफ़ी उसका सेलिंग रिस्पॉन्स भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। ठीक है, तो उससे आप अपनी तैयारी को शुरू करें। जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल की परीक्षा 12/10/2019 को हमारी वेबसाइट से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन अटेंडेंट 13/10/2019 को परीक्षा प्रस्तावित है, इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट से करंट अफेयर्स का लाभ उठाएं। जूनियर इंजीनियर के लिए तो स्टूडेंट्स 13/10/2019 यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको हमारे करंट अफेयर्स लाभ देंगे, और सामान्य ज्ञान के और सुबह का 7 बजे का वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और आगे बात करें स्टूडेंट्स GOIT अकाउंटेंट की, तो 20/10/2019 को हमारी टीम के द्वारा हाल में ही स्टूडेंट्स एक रिसेंटली देखी, आप यहाँ पे PDF में देख रहे होंगे, इसमें अकाउंटेंट का पेपर भी हमने एक सॉल्व किया है। GOIT क्वेश्चन पेपर फुली सॉल्वड विद एक्सप्लेनेशन, GOIT 2016, 17 और 18, इसमें जो एक पेपर है स्टूडेंट्स वो इससे परीक्षा से संबंधित है, GOA अकाउंट से संबंधित है, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा। और ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजों में इसमें डाला गया है GK को छोड़ के, तो इस पुस्तिका को भी आप हमारी वेबसाइट elastudyco.in से प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही सहायक सिद्ध स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हो सकती है। फिटर की परीक्षा की बात करें तो फिटर की परीक्षा 20/10/2019 को, उसके बाद आगे बात करें पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 की 13/11/2019, पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें 5/11/2019, डिस्पेंसर की बात करें तो स्टडीज का परीक्षा होने जा रही है 5/11/2019 को, टेक्निकल असिस्टेंट की है 6/11/2019 को। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अपडेट था आपकी परीक्षाओं से संबंधित, यदि परीक्षाएं आपकी आ चुकी है पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर से तैयारी शुरू करें, फिर करंट अफेयर्स को पकड़े, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हमारी टीम आपके साथ है विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स, अन्य जितने भी हमें लग रहा है, धीरे धीरे हम उन टॉपिक्स के ऊपर अपनी पुस्तकें लेकर आपको इस वेबसाइट पर elastudyco.in पर लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा प्रश्न भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो तबादला नीति बनाई जाए उसके सॉफ्टवेयर किस कंपनी के द्वारा बनाया जाए, तो आपने याद रखना है निक्सी कंपनी इसका नाम है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध की ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को यहाँ पे स्थान दिया गया है 5th। स्टूडेंट्स इसको याद रखना है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, तो इस विश्वविद्यालय का नाम है ऑक्सफोर्ड और इंग्लैंड में स्थापित है। खेल मंत्रालय द्वारा खेल इतिहास में पहली बार भारत के दूसरे सबसे बड़े पद्म विभूषण सम्मान के लिए किसका नाम गृह मंत्रालय को भेजा गया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसको स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से याद करें। तो यहाँ पे नाम भेजा गया है 6 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज है MC Mary Kom, और इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके, थोड़ा सा आप इनका नाम को गूगल कर लें, कुछ प्रश्न वहाँ से निकल जाएंगे और हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में उसको जरूर साझा करें। देखिए क्या है इनका, मैं पुनः आपको प्रश्न बता दूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इनका नाम यहाँ पे भेजा गया है। खेल मंत्रालय द्वारा खेल इतिहास में पहली बार भारत के दूसरे सबसे बड़े पद्म विभूषण सम्मान के लिए किसका नाम गृह मंत्रालय को भेजा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 6 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC Mary Kom। भारतीय धाविका हिमा दास को गेटोरेट इंडिया ब्रांड दूत बनाया गया है। स्टूडेंट्स आप याद रखें
गेटोरेट इंडिया कंपनी है जिसका ब्रांड दूध किसे बनाया गया है, भारत की काफ़ी प्रतिष्ठित धाविका है जिनका नाम है हिमा दास, इनका नाम भी आप गूगल करें और कुछ और जानकारी आप प्राप्त करें, और इसमें से भी प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही है इस बार। तो देखिए इससे पहले भी क्या है, असम की 19 वर्ष की एथलीट देश की इस कंपनी के लिए तीसरी ब्रांड दूध बनी। इससे पहले की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और स्टार भाला इस कंपनी के ब्रांड दूत रह चुके हैं। स्टैंड आजकल सुर्खियों में है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपने विधानसभा की कुल कितनी सीटें बात की जा रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र शब्द आप यहाँ पे जोड़ लें, महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 288 सीटें हैं, और हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 90 सीटें हैं। स्टैंड इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। सीटों के ऊपर इनका जो आपस में समझौता हुआ है तो काफ़ी सारे समाचार पत्रों में सुर्खियों में था, लेकिन यहाँ से तो मुझे लगा नहीं कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल कितनी सीटें है, तो आपने उत्तर रखना है 288। यदि हरियाणा की बात करें, आजकल बहुत बड़े बड़े समाचार पत्र आपको हरियाणा के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में देखने को मिल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप याद रखें हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, गर्त में जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। पक्ष जो विपक्ष दल है वो तो उसके ऊपर काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह भारत के काफी जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते, तो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि यदि आप ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 2024 तक जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया आप उसको भी अचीव कर पाएंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्तमान समय में मंदी की तरफ जा रही है, गर्त की तरफ जा रही है, उसको भी आप बांध से निकाल सकते हो। तो पहला सुझाव दिया गया है GST व्यवस्था के सरलीकरण पर जोर दें, ग्रामीण खपत को बढ़ाने पर ध्यान दें, कृषि क्षेत्र के कायापलट के तरीके ढूंढने होंगे, पूंजी निर्माण के लिए कर्ज की कमी हो दूर, नौकरियां देने वाले प्रमुख क्षेत्रों को करें पुनर्जीवित, ट्रेड बार के चलते नए निर्यात बाजारों की पहचान। स्टूडेंट्स इनको आप लिख लें, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए, हमने पॉलिटिकली कमेंट्स के ऊपर नहीं जाना होता है, राजनीतिक लाभ लफा नफा नुकसान क्या वहाँ पे चलता रहता है, हमने कुछ पॉइंट्स निकालने, सारे के सारे पॉइंट्स सीधा स्टूडेंट्स प्रश्न यहाँ से बनता है किस तरह से निकाला जाए, बिल्कुल लॉजिकली यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। देखिए GST को लिया गया, ग्रामीण क्षेत्र को लिया, कृषि व्यवस्था को लिया गया, पूंजी निर्माण को लिया गया, बेरोजगारों को लिया गया, ट्रेड बार के चलते एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करनी, तो हर चीज़ तो यहाँ पे कवर किया गया। थोड़ा सा दिया, आप हमारे वीडियोस दोस्त सुनते होंगे तो आपका IQ लेवल और थोड़ा सा आपका राइटिंग स्किल धीरे धीरे आप लिखते लिखने की तरफ आपका अग्रसर हो रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए, और विभिन्न तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट elastudy.co.in पर जुड़े रहें और इस अध्ययन सामग्री का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।